बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल मेथड। और न्यूमेरिकल मेथड में हम डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो आज फर्स्ट टॉपिक जो हमारा वो बाइसेक्शन मेथड है। बाइसेक्शन मेथड वर्किंग रूल को पढ़ेंगे, इक्वेशंस के रूट्स को फाइंड करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसका वर्किंग रूल। वर्किंग रूल में सबसे पहला स्टेप हमारा ये है कि लेट्स सपोज कर लेते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू जीरो टू लोकेट द रूट ऑफ इक्वेशन इन एन इंटरवल ए और बी। ए और बी हमारे पास एक इंटरवल है, तो हम इक्वेशन जो है उसको एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू जीरो सपोज कर लेते हैं। लेट एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी आर ऑपोजिट साइंस सच दैट एफ ऑफ ए लेस देन जीरो एंड एफ ऑफ बी ग्रेटर देन जीरो। देन द ग्राफ ऑफ द फंक्शन क्रॉसेस द एक्स एक्सिस बिटवीन ए एंड बी। यानी कि ए और बी हमारे पास एक इंटरवल है, उसके अंदर हमारे पास जो एफ ऑफ ए पे वैल्यू आ रही है वो पॉजिटिव होनी चाहिए या एफ ऑफ बी पे पॉजिटिव होनी चाहिए या एफ ऑफ ए पे नेगेटिव हो जाए या एफ ऑफ बी पे नेगेटिव, यानी कि दोनों साइंस ऑपोजिट होने चाहिए। विच ग्रंटीज द एग्जिस्टेंस ऑफ एटलीस्ट वन रूट इन एन इंटरवल, जो कि एक इस इंटरवल के अंदर कोई एक एग्जैक्ट वैल्यू हमें देगा, कोई एक रूट देगा। जैसे कि हमारे पास ये एक ग्राफ है, यहाँ पर एक पॉइंट है एफ ऑफ एक्स जहाँ पर नेगेटिव वैल्यू है और यहाँ पर एक पॉइंट है एफ ऑफ एक्स जहाँ पर एक पॉजिटिव वैल्यू है। अब इस इंटरवल के दरमियान में एक और ऐसा रूट लाई कर रहा है जो कि चेंज वैल्यू दे रहे हैं हमारे पास एटलीस्ट वन रूट इन द इंटरवल विच गारंटीज द एग्जिस्टेंस। यानी कि यहाँ पर एक ऐसा रूट लाई कर रहा है जो कि इस इंटरवल के दरमियान में। फर्स्ट फाइंड द अप्रोक्सीमेशन यूजिंग बाइसेक्शन मेथड। देन द डिजायर्ड रूट इज अप्रोक्सीमेटली डिफाइंड बाई द मिड पॉइंट ए प्लस बी। यानी कि ए और बी जो इंटरवल की वैल्यूज थी उनको डिवाइड कर देंगे टू पे, तो हमारे पास सी एक और न्यू रूट आ जाएगा हमारे पास। देन कैलकुलेट एफ ऑफ सी एंड एग्जामाइन दी साइन। यानी कि जो हमारे पास एफ ऑफ सी की वैल्यू हुई है उसका साइन क्या है, कि एफ ऑफ सी का साइन ग्रेटर देन जीरो है या एफ ऑफ सी का साइन लेस देन जीरो है। तो उसके लिए हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी हमारे पास ये है कि इफ एफ ऑफ सी लेस देन जीरो देन द रूट लाइज बिटवीन सी एंड बी। अगर हमारे पास एफ ऑफ सी की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है तो ए और बी, यानी कि जो पहले हमारे पास इंटरवल के रूट्स थे वो चेंज हो जाएंगे और हमारे पास न्यू इंटरवल का जो रूट है सी वो आ जाएगा सी एंड बी। एंड सेकेंड अप्रोक्सीमेशन इज गिवन बाय सी प्लस बी डिवाइडेड बाय टू। सेकेंड पॉसिबिलिटी हमारे पास ये है कि ए एफ ऑफ सी ग्रेटर देन जीरो देन द रूट लाइज बिटवीन ए एंड सी एंड सेकेंड अप्रोक्सीमेशन इज गिवन बाय डी इक्वल्स टू ए प्लस सी डिवाइडेड बाय टू। इस तरह हम लोग सेकेंड अप्रोक्सीमेशन को इजीली फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद हम थर्ड अप्रोक्सीमेशन की तरफ जाएंगे और उसका रूट कैलकुलेट करेंगे। देन कैलकुलेट एफ ऑफ बी एंड रिपीट द स्टेप वन एंड स्टेप टू अंटिल द डिजायर्ड रूट ऑफ एक्यूरेसी। यानी कि हम बार बार स्टेप वन और स्टेप टू को रिपीट करते जाएंगे और हमारे पास नेक्स्ट रूट्स आते जाएंगे। इसी तरह हम लोग अप्रोक्सीमेटली 9 to 10 अप्रोक्सीमेशंस करेंगे बाइसेक्शन मेथड को यूज़ करके डिफरेंट रूट्स फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट अब हम बाइसेक्शन मेथड से रिलेटेड एक एग्जांपल कर लेते हैं ताकि जितने भी पॉइंट्स हैं वर्किंग रूल वो क्लियर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक एग्जाम्पल ये है कि सोल्व एक्स क्यू माइनस 9x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 फॉर द रूट्स बिटवीन x इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू 4।
यानी कि उन्होंने हमें एक इंटरवल बता दिए 2 और 4 के दरमियान हम लोग डिफरेंट रूट्स फाइंड करें बाय बाइसेक्शन मेथड। तो इस एग्जांपल को सॉल्व करके हम लोग बाइसेक्शन मेथड से इसके डिफरेंट रूट्स फाइंड करते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले गिवन इक्वेशन हमारे पास क्या है, एक्स क्यूब माइनस 9x प्लस 1। देन वी कैन वेरीफाई एफ ऑफ 2 इक्वल्स टू 2 पावर 3 माइनस 9 ऑफ 2 प्लस 1 इक्वल्स टू माइनस 9, यानी कि हमारे पास एक पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू आ गई है। एंड एफ ऑफ 4 इक्वल्स टू 4 पावर 3 माइनस 9, 9 ऑफ 4 प्लस 1 इक्वल्स टू प्लस 29, यानी कि हमारे पास एक पॉजिटिव वैल्यू आ गई है। इस इंटरवल के ऊपर हमारे पास एक जगह पे नेगेटिव वैल्यू आ गई है और एक जगह पे पॉजिटिव वैल्यू आ गई है, जिसका मतलब ये है कि अब हम इसके ऊपर बाइसेक्शन मेथड लगा सकते हैं। हम हर पॉइंट के ऊपर चेक करते रहेंगे, जब तक हमारे पास एक वैल्यू नेगेटिव और एक वैल्यू पॉजिटिव नहीं आएगी तब तक हम लोग रूट्स फाइंड करते रहेंगे। यहाँ पर हमारे पास उन्होंने इंटरवल गिवन कर दिया है, यानी कि x इक्वल्स टू 2 और x इक्वल्स टू 4। तो हम लोग इन्हीं इंटरवल के ऊपर चेक करेंगे कि हमारे पास क्या साइंस आ रहे हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। देयरफॉर एफ ऑफ 2 लेस देन 0 एंड एफ ऑफ 4 ग्रेटर देन 0, दे बोथ आर ऑपोजिट साइंस, हेंस द रूट लाइज बिटवीन 2 एंड 4। तो हम लोग लेट कर लेते हैं एक्स नॉट इक्वल्स टू 2, यानी कि जो हमारे पास इंटरवल की वैल्यूज गिवन है एक्स इक्वल्स टू 2 एंड एक्स इक्वल्स टू 4, लेट कर लेते हैं एक्स नॉट इक्वल्स टू 2 एंड एक्स 1 इक्वल्स टू 4। नाउ वी डिफाइन एक्स 2 इक्वल्स टू एक्स नॉट प्लस एक्स 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि जो एक्स नॉट की वैल्यू है 2 एंड एक्स 1 की वैल्यू है 4, इसको डिवाइड करेंगे 2 पे। 2 प्लस 4 इक्वल्स टू 6 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 3, हमारे पास एक्स 2 की वैल्यू आ गई है 3। एज द फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन ऑफ द रूट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0, नॉट दैट अब हमारे पास जो वैल्यू आ गई है, यानी कि एक्स 2 इक्वल्स टू 3, यानी कि जो भी हमारे पास x2 की वैल्यू आ गया उसको हम फंक्शन के अंदर डालेंगे, यानी कि एफ ऑफ 3 इक्वल्स टू 3 पावर 3 माइनस 9 ऑफ 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 9, जो कि हमारे पास एक पॉजिटिव वैल्यू आ गया दोबारा से। अब ऊपर हमारे पास एक नेगेटिव वैल्यू थी, एक पॉजिटिव वैल्यू थी, लेकिन अब हमारे पास एक और पॉजिटिव वैल्यू आ गई है। तो हम यहाँ पर जो वैल्यू ली थी, यानी कि एफ ऑफ 4 जो कि पॉजिटिव वैल्यू थी, इसको छोड़ के जो हमारे पास यहाँ पर एक नेगेटिव वैल्यू है उसको और यहाँ पर जो पॉजिटिव वैल्यू है उसको लेके चलेंगे, यानी कि एफ ऑफ 2 और एफ ऑफ 3 को लेके चलेंगे। अब ये हमारे पास इंटरवल बन चुके हैं, सो दैट द रूट लाइज बिटवीन 2 एंड 3, जो रूट है हमारा अब वो 2 और 3 के दरमियान लाई करेगा। वी फर्दर डिफाइन दी एक्स 3 इक्वल्स टू एक्स नॉट प्लस एक्स 2 डिवाइड्स बाई 2, दैट इज 2 प्लस 3 डिवाइड्स बाई 2, यानी कि 5 डिवाइड्स बाई 2 इक्वल्स टू 2.5। अब हमारे पास एक्स 3 की एक न्यू वैल्यू आ गई है 2.5। इस तरह हम लोग एक्स 4 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, एक्स 5 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं और एक्स 6 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। प्रोसीजर को हम लोग इस वक्त तक करते रहेंगे जब तक हमारे पास एक एग्जैक्ट रूट नहीं आ जाता, एंड द प्रोसेस कैन बी कंटिन्यू अंटिल द रूट इज ऑब्टेन टू द डिजायर्ड एक्यूरेसी, यानी कि हमारे पास जो डिजायर्ड रूट है तब तक हम लोग ये प्रोसीजर करते रहें। उसके बाद हम इस सारी वैल्यूज को एक टेबल के फॉर्म में राइट कर देते हैं, इस तरह हम बाइसेक्शन मेथड को इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक था बाइसेक्शन मेथड, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको बाइसेक्शन मेथड समझ आ चुका होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकअल्लाह खैर।